अस्सलाम वालेकुम, आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कराची की बेटी ने बाप के कातिल को 14 साल बाद गिरफ्तार करा दिया। मुल्जिम की गिरफ्तारी कराची पुलिस की मदद से दुबई से अमल में आई। मकतूल की बेटी ने वीडियो बयान में कहा कि कराची में मेरे वालिद मोहम्मद अमजद को 26 अगस्त 2008 को 10 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहम अमजद है और मैं मोहम्मद अहमद अमजद, रीजनल चीफ सिंध एंड बलोचिस्तान स्टेट लाइफ 2008 की बेटी हूँ। मेरे फादर 18 गोल्ड मेडलिस्ट थे 21 ईयर्स के अपने करियर में, और मेरे फादर को दिन दहाड़े स्टेट लाइफ के ऑफिस में स्टेट लाइफ के एम्प्लॉयज़ ने मर्डर कर दिया गया था। ये कि एक आम मर्डर नहीं था, ये गवर्नमेंट ऑफिस में हो रहा था एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, और जिस जुल्म से मेरे फादर को इन्होंने मर्डर किया था वो मेरे से मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे फादर को 10 गोलियां मारी गई थी और मेरे फादर की पिक्चर्स तक हमसे शेयर की गई थी। मेरे फादर खून से लिपटे हुए जिंदा थे और उनको उठाया नहीं जा रहा था और उनकी पिक्चर्स ली जा रही थी। तकीशा नाम के इंसान ने उनको मर्डर किया था। ये इंसान जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, जो कंपनी का एम्प्लॉय था, इसकी डेजिग्नेशन बहुत छोटी थी मेरे डैड के सामने। मेरे डैड रीजनल चीफ ऑफ 2 प्रोविंसेस थे इन द कंपनी एंड ये सेल्स मैनेजर था जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे था। मकतूल अमजद की बेटी के मुताबिक नामजद मुलजिम तकी हैदर शाह को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कराया है। कातिल को पाकिस्तान मुंतकिल करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे वालिद के कत्ल के मरकजी मुलजिम ने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद के कत्ल पे नोटिस लें। कत्ल में मुलविस दीगर लोगों को भी गिरफ्तार कराकर सजा दी जाए। मकतूल अमजद की बेटी माहम अमजद के मुताबिक 29 जनवरी 2010 में मुलजिम की ताहयात नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। मरकजी मुलजिम का नाम नवंबर 2022 में ECL में डाला गया था। अभी सिर्फ कत्ल करने वाला गिरफ्तार हुआ है। मकतूल अमजद की बेटी माहम अमजद के मुताबिक कत्ल कराने वाले अभी बाकी हैं।